एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति श्रेयसी। आज हम लोग डिलेड इरप्शन के ऊपर बात करेंगे कि डिलेड इरप्शन क्या होता है। डिलेड इरप्शन का मतलब होता है लेट से इरप्ट होना। तो क्या होता है, अगर इरप्शन पैटर्न एबनॉर्मल हो या कोई तिथि इरप्ट ना करे 18 मंथ तक, तो इसे डायग्नोस करते हैं डिलेड टूथ इरप्शन में। क्या है, इफ द इरप्शन पैटर्न इज एबनॉर्मल और no teeth have erupted by the age of 18 months, we may diagnose it as delayed tooth eruption। तो इसमें बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे कि genetics are often to blame for the delayed tooth eruption। genetics भी एक कारण है। तो कुछ कॉज हम लोग जान ले delayed tooth eruption का, जैसे कि prematurity, low birth rate, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज में क्या आ गया, एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम में भी होता है ऐसा, हाइपोपिट्यूटरीज्म में भी होता है। अब हम लोग सिस्टमिक कंडीशन देखते हैं। सिस्टमिक कंडीशन में हो गया रिकेट्स, क्रेटिनिज, क्लीडोक्रैनियल डिस्प्लेसिया। और हम लोग अब लोकल फैक्टर में जब जाएंगे तो लोकल फैक्टर में क्या हो जाता है, फाइब्रोमेटासिस जिंजिवी। इसमें क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू इन विच डेंस कनेक्टिव टिश्यू विल नॉट परमिट इरप्शन। वहां पे क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि परमिट नहीं करता है इरप्शन होने के लिए। अब ट्रीटमेंट में आ जाइए, तो आपका ट्रीटमेंट में इसका नो ट्रीटमेंट है, नो क्योर है। सिंपली इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं सिचुएशन को, रेगुलर बेसिस पे बुलाते हैं डेंटल चेकअप के लिए पेशेंट को। अब ये जान लीजिए, अगर डिलेड इरप्शन होता है तो ये चाइल्ड के ऊपर बहुत ही खराब इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसके चलते वो अच्छे से खाना नहीं खा पाते, उनका न्यूट्रिशन वेल बैलेंस डाइट नहीं हो पाता है, ना बाइटिंग कर पाते हैं, उनको च्यूइंग में भी दिक्कत आती है, क्योंकि च्यूइंग तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि दांत नहीं है। तो इसके लिए आपको रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपका लोकल फैक्टर में कोई चीज होता है तो उसको डेंटल चेकअप के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। ये बीमारी है तो मेडिसिन यूज होते हैं, ऐसे नॉर्मल इसका नो ट्रीटमेंट है। थैंक यू।